मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी की है, जिसमें सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चौहान के रूप में नए नाम सामने आए हैं। वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर सचिन पायलट का रिएक्शन सामने आया। आपको बता दें कि सचिन पायलट को राजस्थान में गद्दी हाथ ना लगने का मलाल तो है, लेकिन इस लिस्ट में अपना नाम देखकर पायलट बेहद खुश नजर आए। अपनी खुशी जाहिर करते हुए पायलट ने ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए सचिन ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की नई टीम का ऐलान कर दिया है। खड़गे ने इस टीम में अपने खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके शशि थरूर और राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को भी शामिल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की नई टीम का ऐलान कर इसके अलावा गांधी परिवार के तीनों चेहरों को कांग्रेस कार्य समिति में रखा गया है। इस टीम में खड़गे के बाद सोनिया गांधी और पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नाम है। उसके बाद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार और दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। इस टीम में कई युवा चेहरों को भी जगह मिली है, जिनमें राहुल गांधी के साथ ही सचिन पायलट, चरणजीत सिंह चन्नी, कुमार शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गौरव गोगोई, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई नाम शामिल हैं। इसके अलावा UPA सरकार में केंद्रीय मंत्री AK एंटनी को भी खड़गे की टीम में जगह दी गई है। हाल ही में उनके बेटे अनिल एंटनी BJP में शामिल हुए थे, जिन्हें BJP ने अपने राष्ट्रीय टीम में भी शामिल किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।